अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आज जो है हमारा टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है, आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जैसे कि मेरा चैनल जो है वो फैशन और ब्यूटी के हवाले से है, तो आज जो है वो मैं आपके साथ जो है वो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जो कि अभी मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं है। बट इंस्टाग्राम पर मेरे पास एक DM आया था। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत जो है वो थैंकफुल करूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझसे सजेशन ले सकें। तो सजेशन ये थी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि हेयर एनर्जी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्या आप उसके बारे में कोई रिव्यू दे सकती हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि अभी तक तो मैंने खुद ट्राई नहीं किया, तो विदाउट जो है वो ट्राई किया मैं उसका रिव्यू कैसे दे सकती हूँ। तो फिर मैंने जो यहाँ पे जो है हेयर एनर्जी का दो चीज़ जो है वो मैंने ऑर्डर की। पहले तो मैंने उनके पेज को विज़िट किया और चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने उनका फूड कैंडी और जो है वो लोशन जो है वो बाय किया। तो यहाँ पे हम उसकी जो है वो अनपैकिंग कर रहे हैं, बिकॉज उन वो ये कहते भी हैं कि अगर आप उनकी अनपैकिंग करते वक्त जब वीडियो बनाएं उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो इसको जो है वो एक्सचेंज ज़रूर करेंगे। तो इस वजह से हमने इसकी प्रॉपर जो है वो वीडियो बनाई। ये अब वीडियो आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया है यूज़ करना, आज फर्स्ट डे है जो मैंने इसको अनपैक किया और मैंने इसको जो है वो अभी अपने हाथ हैंड एंड फुट पे जो है अप्लाई किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने अनपैक कर दिया है और यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो डैमेज था, और इसके अलावा जो है जब हमने इसको देखा तो उसकी सील भी ओपन थी एंड क्या नाम है उसका जो कैप है लीड है वो भी ओपन था। सो मैंने हेयर एनर्जी वाले को मैसेज तो किया बट वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, जो कि ये चीज़ मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी कि जब आप को फौरन जो है ऐसी चीज़ों को रिप्लाई जो है वो करना चाहिए। बट हम सिर्फ अपीरियंस अभी कुछ कह नहीं सकते कि इनका रिज़ल्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बस ये चीज़ मुझे थोड़ी सी नॉनसेंस ही लगी कि अगर आपने अपने कस्टमर को कोई चीज़ दी है और उस पर कोई इशू आया है हम उसको बिल्कुल एक्सचेंज कर रहे हैं, हो सकता है गलती सबसे हो सकती है। बट एटलीस्ट आपको अब रिप्लाई करना चाहिए कि ये चीज़ नेक्स्ट टाइम नहीं होगी या फिर अंदर से हम ध्यान देंगे। जैसे कि ये वाला बॉक्स बिल्कुल फाइन था, इसमें जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो ना सील उसका ओपन था ना इसकी ओपन थी, इस लोशन भी बिल्कुल इवन ग्रेड में था। सो अब आप बगल ये है कि मैंने आज अप्लाई किया है एंड इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही ऑसम है, बहुत ही मतलब मज़े का फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। अब इसका रिज़ल्ट कैसा होता है बिकॉल इनके कि इनका रिज़ल्ट क्योंकि बिकॉज ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है तो इसका रिज़ल्ट जो है वो 4 to 5 weeks में ही आएंगे। सो 4 to 5 weeks का मतलब होता है 28 plus days। तो अब देखना ये है कि 1 month के बाद मैं इसको अप्लाई करूँगी। मेरा ये है कि 40 days एटलीस्ट मैं उसको जो है वो टाइम दूँ, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब अप्लाई करते हैं तो हमें उसको टाइम देना होता है। तो देखते हैं 40 days के बाद इसका क्या रिज़ल्ट आता है। जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं अगेन थैंक्स करती हूँ उनका कि उन्होंने इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझसे रिव्यूज़ दिया। तो मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह, इसके रिव्यू के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और बाय बाय।